वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सुल्तानपुर सीट से सांसद थे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वरुण गांधी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया था। वरुण गांधी की गिनती करोड़पति सांसदों के तौर पर होती है। आज की स्टोरी में वरुण गांधी की कुल चल अचल संपत्ति के बारे में आपको बताएंगे। वरुण गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को दिए गए अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास 60 करोड़ की से भी ज्यादा संपत्ति है। वरुण गांधी और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 21 करोड़ रुपए है। वाहन के नाम पर एक गाड़ी है। इसके अलावा वरुण गांधी के पास 98,57,000 की ज्वेलरी भी है। दिए गए हलफनामे के मुताबिक वरुण गांधी के नाम पर 32,55,00,000 की कमर्शियल बिल्डिंग है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। साल 2014 में उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए जमा थे। वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी के पास साल 2014 में उनके पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके बाद साल 2019 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक संपत्ति पहले से बढ़कर 54,20,00,000 रुपए हो गई है। मेनका गांधी के अलग अलग बैंक अकाउंट में 18,37,00,000 रुपए जमा है। वहीं उनके पास 1 करोड़ की ज्वेलरी है। मेनका गांधी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। हालांकि उनके पास 9 करोड़ 55 लाख की कमर्शियल बिल्डिंग और 20 करोड़ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है।